एवरीवन, वेलकम टू लिटिल रुद्र एंड मॉम वर्ल्ड। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम के बारे में, कि बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्क्रीन टाइम के लिए जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 0 to 2 ईयर के बच्चों के लिए नो स्क्रीन टाइम है, और 2 to 12 ईयर के बच्चों के लिए 1 घंटे से आपको ज्यादा नहीं देना स्क्रीन टाइम। बट क्या हो गया है, कोरोना टाइम में तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना बच्चों में, जो भी डेवलपमेंटल कंडीशंस की प्रॉब्लम है, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे एडीएचडी हो, या फिर डेवलपमेंट डिले हो, ये सारी प्रॉब्लम कोरोना के टाइम इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि उस टाइम पे बच्चों का जो एक्सपोजर है वो स्क्रीन टाइम से ज्यादा हुआ है। जो बच्चों का उस टाइम पे 1 to 3 ईयर के बच्चे थे, वो बच्चे सोशल होना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, कोरोना के टाइम में वो घर में बंद हो गए, वो कहीं जा नहीं सकते थे, वो पार्क नहीं जा सकते थे, वो कहीं घूमने नहीं जा सकते थे, अपने घर वालों के कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकते थे क्योंकि घर वाले भी बच्चों को या किसी के पास जाने से घबरा रहे थे उस टाइम पे। तो गाइस, इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना इंक्रीज हुआ उस टाइम पे, वो 1 आवर की जगह 4 आवर्स में कन्वर्ट हुआ और बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम्स आई। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर बच्चे में अब प्रॉब्लम है तो उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल मत दीजिए, अगर दीजिए तो 15-20 मिनट तक दीजिए बच्चों को। अगर उसको बहुत ही कुछ दिखाना है, वो मान नहीं रहा है, तब 15-20 मिनट का स्क्रीन टाइम देने की कोशिश कीजिए, पर 1 घंटे से ज़्यादा मत दीजिए अगर बच्चा 2 to 12 ईयर का है इसके बीच में। तो गाइज, अकॉर्डिंग टू मी, अगर बच्चों को आपको दिखाना भी है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज बच्चों को उस पर दिखाए जो बच्चे के लिए मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बच्चा उससे कुछ सीखे। ऐसे नहीं कि आपने गाने चला दिए, राइम्स चला दी, नहीं, बच्चों को ऐसी चीजें दिखाइए जिससे बच्चों की लैंग्वेज इम्प्रूव हो, बच्चों की स्पीच आए, या फिर बच्चे उससे कुछ सीखे। बिना बात की चीजों को दिखाने से, टाइम पास करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बच्चों पे। तो बहुत ही असेंशियल चीजें बच्चों को दिखाएं और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए दिखाएं। ऐसा ना दिखाएं कि 1 घंटा कॉन्टिन्यूस देखा, अगर आपको दिखाना भी है तो उसे टुकड़ों में, पार्ट पार्ट में कन्वर्ट करके दिखाएं। जैसे 15 मिनट आप दिखा दे दोपहर को, 15 मिनट आपने बच्चे को टीवी या जो भी आपको दिखाना है, मोबाइल तो बिल्कुल मत दिखाइए, सही बता रही हूँ, क्योंकि मोबाइल में 1 to 1 कन्वर्सेशन होता है जिसकी वजह से बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चा बोल तो रहा नहीं है, वो देखते जा रहा है, चीजें चलती जा रही है और उसका ब्रेन उसी तरीके से काम करता है कि चीजें चलती जा रही है, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, बस वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कलरफुल चीजें चलती जा रही हैं। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा कंक्लूजन निकलता है बहुत सारे पेरेंट्स से बात करके, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जो स्क्रीन टाइम है बच्चों को बिल्कुल ना दे, कोशिश करें उन्हें गेम्स में इन्वॉल्व करने की, उन्हें बाहर ले जाने की, उनके साथ खेलने की, और अगर देना भी है स्क्रीन टाइम बच्चों को, तो बच्चों को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए दे, बट एक साथ मत दें, थोड़ा थोड़ा करके दें, जिससे बच्चों का जो ब्रेन है वो बस उसी चीज पे फोकस ना हो। अगर आप देखेंगे बच्चा कॉन्टिन्यूस 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल या टीवी देख रहा है, उसके बाद जैसे ही आप उससे छीनेंगे ना वो चीज, बच्चा रोने लग जाएगा, बच्चा चीखने लग जाएगा, और यही प्रॉब्लम का सिम्टम है जिसे हमें पहचानना होगा और इसे रोकना होगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस मैं यही समझाना चाहती हूँ कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है एज पर माई एक्सपीरियंस। आपका डॉक्टर क्या कहता है ये आप समझिए, या आप बच्चे को स्क्रीन टाइम किस तरीके से दिखा रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, अगर उसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो थोड़ा स्क्रीन टाइम जरूर दे, बट अकॉर्डिंग टू मी स्क्रीन टाइम ज्यादा अच्छा नहीं है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके। बाय गाइस।